लास्ट टाइम हमने ये किया, प्रूव किया ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इसके प्रूफ के अंदर माइनस साइन ये शो करता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाएं तो हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट पर जाते 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 क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लेते हैं कि आपका पोटेंशियल एक पॉइंट पर इस रूम में 10 वोल्ट है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल के हिसाब से होगी। तो हमने डिस्कस किया, तो अगर आपका पोटेंशियल यहाँ पर 100 है, फिर 80 है, फिर 70 है, फिर 60 है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीजिंग पोटेंशियल के हिसाब से नीचे होगी। क्या ये बात समझ में आती है यहाँ तक? ठीक। फिर हमने इसको लगा के देखा, लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का काम इस कॉन्सेप्ट को लगाना ही है। तो इसमें हमने ये सीखा कि अगर मैं ए से बी पर, मैं एक एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट लेता हूँ और मैं आपको ए और बी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू देता हूँ 15 और 12 वोल्ट, तो मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ होगी, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू 15 से 12 राइट की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट की तरफ होगा। पहला पॉइंट क्लियर है। फिर क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल 15 और 12, तो आप एक काम करें, इसमें आप ए से लेके बी पॉइंट तक मूव करें, आपकी मर्जी है, आप ए से बी पे भी जा सकते हैं, बी से ए पे भी जा सकते हैं। अगर आप ए से बी पे जा रहे हैं और आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये आपका पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट फाइनल। तो डी वी की जगह क्या पुट किया जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल 12 में से 15, और डी एक्स में चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, 5, और इनिशियल क्या है, 2, तो 5 में से 2 गया, सॉल्व करके आंसर आएगा। तो लगाना आ गया यहां तक। फिर हमने ये सीखा कि अगर सपोज करो, एक मिनट के लिए, आपको क्वेश्चन में वी गिवन है और आपको ई निकालना है, तो मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आपको वी की वैल्यू गिवन है, मान लो 2x, तो वी एक्स की फॉर्म में गिवन है और आपको ई की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस डी वी बाय क्या करना पड़ेगा, डी एक्स। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू कितनी है, 2x। 2 बाहर आ गया, इसके अंदर 2 की वैल्यू बाहर आ गई, माइनस 2, डी एक्स बाय डी एक्स क्या है, 1। ये आंसर आ गया। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके पीछे क्या आ जाएगा, आई कैप और आई कैप। ये स्टेप क्लियर है। फिर मैंने ये सिखाया कि अगर v की वैल्यू है कितनी, 2y, तो e की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी वाई ऑफ वी, वी का v की जगह 2y, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 अलोंग y एक्सिस, पीछे वेक्टर फॉर्म में j कैप लगा देना। अगर v आपको किसकी फॉर्म में गिवन है, z, तो e की वैल्यू माइनस डी बाई डी जेड ऑफ 2z आ जाएगा, सॉल्व करके e की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2। अगर आपको v की वैल्यू गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, तो e की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस, क्या करना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव सिखाया था, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, ऐसे किया था। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप भी लिखा जा सकता है। तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसमें यह बताया था कि v की वैल्यू अगर x और y और z है और मेरे को e वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ इस तरीके से लगानी होती है, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई जे कैप हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी जेड के कैप हो जाएगा, ऐसा हमने सीखा। तो e वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ v की जगह x प्लस वाई प्लस जेड आई कैप, डी वाई डी वाई ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड के कैप, यहां पे आएगा के कैप, ठीक, जेड के जे कैप सॉरी, डी बाई डी जेड ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड के कैप। ये सीखा, पार्शियल डेरिवेटिव करने का तरीका बताया कि e वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये 1 हो जाएगा। इसको करने का कोई मतलब नहीं, x के अलावा बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 आई कैप। ऐसे जब इसको करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा, j कैप। इसको करने का फ़ायदा नहीं, इसकी जगह क्या आएगा, k कैप। दिस इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें?
लेकिन अगर आज के बाद क्वेश्चन में ई दे दे वो आपको, मान लो इस बार वो ई देगा, ई देके वो आपसे डीवी पूछेगा, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला यही है, ई विल बी इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीएक्स मान लो, तो डीवी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ई इंटू डीएक्स, और दोनों साइड की क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। आज ये जो लेक्चर है अब वो इस पे चलेगा, पिछला लेक्चर v गिवन है e पे चल रहा था, ये लेक्चर e गिवन है v पे चलेगा, उल्टा चलेगा, तो हमें इंटीग्रेशन यूज करनी है। क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं पहले यहां तक कि क्या स्टेप करने हैं हमने? डिफ्रेंसिएशन करना हमेशा आसान होता है, कोई लिमिट का चक्कर नहीं, कोई माइनस का चक्कर नहीं, कुछ भी चक्कर नहीं, मतलब आपको v गिवन है e निकालना है, करो डिफरेंशिएट, आंसर। इंटीग्रेशन हमेशा मुश्किल है क्योंकि इंटीग्रेशन में लगानी पड़ती हैं लिमिट्स, और मोर ओवर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है, अगर x में काम नहीं चल रहा, या उल्टा बोलता हूँ, अगर सब कुछ x एक्सिस में चल रहा है तो dx आएगा, सब कुछ y एक्सिस में चल रहा है तो dy आएगा, z में चल रहा है तो पीछे dz आएगा, और अगर एक्स वाई जेड में चल रहा है तो dr आएगा। अब dr क्या होता है? dr वेक्टर इज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। dr वेक्टर के तीन कॉम्पोनेंट से तीनों एक्सिस में चलते हैं, dx, dy और dz। अब प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंशिएशन के अंदर भी सेम प्रॉब्लम थी, v अगर एक्स वाई जेड में आएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव कर लो, इंटीग्रेशन में कौन सी पार्शियल इंटीग्रेशन है? तो यही देखना है आज कि उल्टा काम कैसे करना है। समझ में आ रहा है लेक्चर कहाँ पे शुरू होने वाला है? तो शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉब्लम हमने कर ली थी। अब आज का एग्जाम्पल है, अगर ई वेक्टर निकालना है, वेक्टर निकालना है, और वी टू एक्स है, एक्स एक्सिस में है, तो आप क्या करेंगे? E वेक्टर इज माइनस dv by dx into i cap। V की जगह आप पुट करेंगे 2x, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? dx by dx 1 है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस 2 i cap। सिंपल क्वेश्चन है, V गिवन है, E निकालना है, डिफरेंशिएशन है, क्लोज करें इसे। लेकिन अगर आपको E वेक्टर गिवन है, अब उल्टा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, अगर आपको E वेक्टर गिवन है 2y, 3j और 4k, और आपको क्या निकालना है? वी ए बी निकालना है। अब वी ए बी जब आप सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज कैसे होंगे? वी ए बी आप ये सोचेंगे कि वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी है, या फिर वी बी माइनस वी ए है, है ना? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वी ए माइनस वी बी हो सकता है, या वी बी माइनस वी ए हो सकता है। तो आगे चलने से पहले, क्वेश्चन रीड करने से पहले फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करें, पहले समझ लें, फिर फॉर्मूले को नोट कर लें। फॉर्मूला क्या है ये देखो, अगर आपको पेपर में सिर्फ वी ए बी लिखा हो तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी होता है, और अगर वी बी ए लिखा हो इसका मतलब वी बी माइनस वी ए होता है। पहला रूल क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, याद रखनी है, फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री होगी। ये ध्यान से देख लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज पहले रुक जाएं लिखने से पहले, ये देख लें, वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी होता है। क्या ये स्टेप याद रहेगा? ठीक, जब मैंने लिख दिया वी ए माइनस वी बी, तो मन में सोचें ए आपका फाइनल पॉइंट है और बी आपका इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और जब पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर, जो कि ये फॉर्मूला भी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें हमेशा लिमिट किसकी लगती है? इनिशियल, और इसमें किसकी लगती है? फाइनल। तो ये देखो चेक करें, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट क्या है? ए। इनिशियल कौन है? बी। तो आर की लिमिट यहां पर क्या लगेगी? आर बी, और यहां पे क्या लगेगी? आर ए। डिसाइड हो गया यहां तक कैसे करना है? तो फाइनल इनिशियल, इनिशियल फाइनल, तो ए इसमें फाइनल, बी इसमें इनिशियल, बी इसमें इनिशियल, ए इसमें फाइनल, तो याद रहेगा। सिमिलरली इसमें याद रहेगा, वी बी ए का मतलब क्या है? वी बी माइनस वी ए, इसका मतलब ये फाइनल और ये इनिशियल, इसका मतलब ये इनिशियल और ये फाइनल, तो बी फाइनल, ए इनिशियल, आर ए इनिशियल, आर बी फाइनल, दोनों फॉर्मूलाज को लिख लें, आज के बाद पेपर में आएगा, सीधा का सीधा अप्लाई करेंगे। यहाँ तक लिख लें, यहाँ तक फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर एंटर करें इसे।
dr वेक्टर तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों बता बता दो। हाँ तीनों करता है ना, डिपेंड करता है ई किस फंक्शन में है। ई अगर एक्स में है तो एक्स हो जाएगा, वाई में है तो वाई हो जाएगा, जेड में है तो जेड हो जाएगा, और अगर एक्स वाई जेड में है तो डी आर हो जाएगा। ये तो सीखना है बस, पॉइंट ही है सारा। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो देखो इस फॉर्मूले के बाद इसको यूज कैसे करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई वेक्टर गिवन है, आप चेक कर लें, ई वेक्टर किस एक्सिस में गिवन है, एक्स में, वाई की, जेड में। मेरे को तीनों में दिख रहा है, आई भी है, जे भी है और के भी है, तीनों में। और क्या निकालना है, वी ए बी। जब चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, आर ए वेक्टर से आर बी वेक्टर। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, निकालना क्या है, वी ए बी। फॉर्मूला क्या लिखवाया, वी ए बी का, वी ए माइनस वी बी। वी ए बी होता क्या है, माइनस ई डॉट डी आर। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। वैल्यू पुट कर देते हैं, ई वेक्टर की वैल्यू हमें आई कैप, जे कैप, के कैप में गिवन है। अगर ये ई वेक्टर सिर्फ एक्स में होती, बस आई कैप होता, तो मैं यहाँ भी डी एक्स आई कैप लगाता, वाई और जेड लगाता ही ना, बात ही क्लोज थी। और अगर मैं लगा भी लेता, फर्क ही ना पड़ता, क्योंकि आई डॉट जे क्या हो जाता, जीरो, तो वैसे ही हट जाना था उसने। तो इसमें क्योंकि आई जे के में है और ना भी हो, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। कोई डाउट इसमें, यहाँ तक क्लियर है? चलो शॉर्टकट बना लो, रूल बना लो। आपने यहाँ पर डी आर वैक्टर ही यूज़ करना है, चाहे ई वैक्टर दुनिया का कोई भी फंक्शन आ जाए, आई में, जे में, के में, तीनों में, आप यहाँ पर यही पुट करें, ई वैक्टर डी आर वैक्टर। क्लियर है? अब कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल लिमिट आर बी है और फाइनल आर ए है। लिमिट ध्यान से पुट करना, आर बी का मतलब ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, 1, -2। आर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, -2, 1। ये देखो आर बी की जगह 2, 1, -2 और आर ए की जगह 1, -2 और 1। लिमिट लग गई, अजीब लग रहा होगा क्योंकि ऐसी लिमिट्स आपने लगाई नहीं, तीन दिन इकट्ठी एक ही लगाई है, पर कोई बात नहीं, इकलौता एक ही क्वेश्चन है पूरी किताब में जिसमें ऐसे चलेगा, बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं पूरी किताब में, एक क्वेश्चन ये है। ठीक, तो इसमें आई को आई के साथ तो क्या बनेगा, 2dx, जे डॉट जे करेंगे 3dy, के डॉट के करेंगे 4dz, कहां से कहां, लिमिट वही है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, जब इंटीग्रेशन 2dx की होगी, 2 कॉन्स्टेंट, 1dx की इंटीग्रेशन इज x, 3dy में 3 कॉन्स्टेंट, 1dy की इंटीग्रेशन y, और 4dz में 4 कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कितनी z, कहां, लिमिट सेम, लिमिट सेम है। अब एक बार एक्स वाई जेड की जगह अपर लिमिट, एक बार एक्स वाई जेड की जगह लोअर लिमिट, तो एक्स की जगह 1, वाई की जगह -2, जेड की जगह 1, ऐसी एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, जेड की जगह -2, दोनों को माइनस करके आंसर आएगा, जो आंसर वो फाइनल आंसर है। तो टेक्निक समझ में आ रही है, थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है, नॉर्मली ऐसी इंटीग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बट मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या टेक्निक लगानी समझ में आ रहा है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं आता, मैंने कभी देखो, तो इतने ऐसे कैसे आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, पूरे सबने पेपर देना है, तो नॉट फॉर एनसीईआरटी है, पर आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर, आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव बुक में हर किताब में एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, और अगर ना करवाया जाए तो डाउट आएगा ही आएगा, पक्की बात है, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे इस तरीके से। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है आप? तो ई वेक्टर से वापस, तो ये फॉर्मूला क्लियर है पहले, ई वेक्टर जो गिवन है पुट कर देना है, डी आर वेक्टर में हमेशा क्या पुट करना है, डी एक्स आई कैप, डी वाई और डी जेड के कैप, लिमिट में आर बी का कोफिशियंट पुट कर देना है, आर ए का कोफिशियंट पुट करना है, फिर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो ये टर्म आएगी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 2dx में, 2 तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन 1dx क्या देगा, x, 3y, 4z, एक बार एक्स वाई जेड की जगह अपर लिमिट, एक बार एक्स वाई जेड की जगह लोअर लिमिट, और दोनों को क्या कर देना है, माइनस आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, फिर देखते हैं। अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन आया, उसने कहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट आई कैप प्लस 2 ई नॉट जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे समझ में आ रहा है एक्स के अलोंग भी है और वाई के अलोंग भी है, एक्स और वाई के अलोंग में, क्योंकि आई कैप भी और जे कैप भी है, इन विच ई नॉट एंड 2 ई नॉट आर कॉन्स्टेंट्स। आगे रीजन वो कह रहे हैं कि 0.0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है,
मतलब ओरिजिन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है? एक्स नॉट कॉमा जीरो पे। तो एक काम करते हैं, हम एक्स एक्सिस बनाते हैं पहले। एक कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? जीरो कॉमा जीरो। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? एक्स नॉट कॉमा जीरो। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो पे पोटेंशियल की वैल्यू कितने गिवन है? जीरो। और एक्स नॉट पे पोटेंशियल कितना है? वी बी या वी। मुझे वी निकालना है, ठीक, समझ में आ रहा है? मुझे इसमें वी निकालना है। अब एक काम करते हैं, पहले मेथड वन लगाते हैं, फिर मेथड टू लगाते हैं, जो रिटेन हो गया पेपर में वो लगा लेना, जो पसंद है वो लगा लेना। तो पहले इसको आप ऐसे व्यू कर सकते हैं, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और कोऑर्डिनेट्स में पोटेंशियल गिवन हो, तो पहली चीज माइंड में आती है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। पहली चीज माइंड में यही आती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट तभी गिवन होते हैं ना, डी एक्स निकाल सकें, डी वी निकाल सकें। तो मैंने एक काम किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट आई कैप और टू ई नॉट जे कैप। ई नॉट आई कैप का मतलब कि ई नॉट की वैल्यू कहाँ पर है? एक्स में है। और टू ई नॉट की वैल्यू कहाँ पर है? वाई में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट भी है, टू ई नॉट भी है। ये देखो मैंने डायग्राम बना लिया, ई नॉट कहाँ पर है? आई कैप है। टू ई नॉट कहाँ है? जे कैप। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। कोई डाउट इसमें? अब मेरे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ओरिजिन वाला ए कोऑर्डिनेट है और एक बी कोऑर्डिनेट है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो कॉमा जीरो। और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स नॉट कॉमा जीरो। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? मैंने आपको एक रूल करवाया है कि आप एक काम करें, ए से बी पे जाएं, ए से बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या? ई नॉट, विच इज कॉन्स्टेंट। ई नॉट एक्स तो है नहीं, ई नॉट तो कॉन्स्टेंट ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में कॉन्स्टेंट है, कितना? ई नॉट। तो आप इसमें यह फॉर्मूला लगाएं, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई टी एक्स। एक्स एक्सिस में लगाएं, वाई में मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को कोऑर्डिनेट किस में गिवन है? एक्स में। एक्स में ई की वैल्यू भी पता है, एक्स में कोऑर्डिनेट भी पता है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है? इनिशियल। ये मेरा कौन सा पॉइंट है? फाइनल। फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल वी है, इनिशियल पे पोटेंशियल जीरो है। तो बोलो क्या पुट करेंगे? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि वी माइनस जीरो, या वी वी माइनस वी है, या वी माइनस जीरो। और डीएक्स में क्या पुट करेंगे? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, एक्स नॉट माइनस जीरो। डिनोमिनेटर क्लियर है? एक्स नॉट माइनस जीरो। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व करके वी की वैल्यू आंसर आ गया। कोई कहेगा यहां तो क्लियर है, कोई कहेगा सर फिर वाई एक्सिस का ई का क्या करना है? लगा लो वाई एक्सिस में, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते भी हो और कोई भी आर्बिटरी पॉइंट पी और क्यू लेते भी हो, लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको आपका क्वेश्चन किस एक्सिस में करना था? एक्स में। वाई सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन था, आपकी रिक्वायरमेंट एक्स से पूरी होती है। आंसर आ गया, समझ में आ रहे हैं यहां तक? किसी को ये नहीं चलो क्लिक करता कि ऐसे बनाना है फिर दो पॉइंट लेने हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ ना करें, लगा दे ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये तो कहीं नहीं गया, पिछला केस है सेम, पिछले केस में भी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर तो किया था। तो ई वेक्टर में जो गिवन है लगा दे, डी आर वेक्टर में लगा दे एक्स नॉट आई कैप। वो क्यों? मैंने वाई नॉट लिया ही नहीं, मैंने कुछ लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना क्वेश्चन किस पे करना है? एक्स पे ही करना है। तो मेरा डी एक्स वेक्टर कहां पे मिलेगा आपको? एक्स पे ही मिलेगा, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में जाने का कोई फायदा होगा ही नहीं। तो एक्स में डिस्टेंस कितना कवर करना है? एक्स नॉट। तो एक्स नॉट के पीछे क्या लगेगा? आई कैप। तो एक काम करते हैं, पीछे लगा देते हैं एक्स नॉट आई कैप, डॉट प्रोडक्ट लो, आंसर है। कौन सा मेथड पसंद है, वन की टू? जैसी आपकी इच्छा है, मैंने बोला, पर टेक्निक दोनों आनी चाहिए, कब कहां फंस जाए ये थोड़ा पता है। तो वन भी ठीक है, टू भी ठीक है, इसमें टू ठीक है, चलेगा। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल वी है, इनिशियल जीरो है ओरिजिन पे, और ये तो आपको पता ही है क्या करना है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? वैसे ये भी ठीक है, मेथड टू ज़्यादा ठीक है, एक सेकंड में आंसर आ जाता है इसमें, पर आपको वो व्यू दिखना। हाँ जी सर, जो पॉइंट हमें निकालना है जहाँ पे पोटेंशियल x नॉट कॉमा जीरो, तो उसमें y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी जीरो है, तो फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमें y में काम ही नहीं करना, क्योंकि y एक्सिस में क्वेश्चन चल ही नहीं रहा, चल ही x में रहा है, इसलिए x नॉट कॉमा x नॉट आई कैप है। सेम आंसर जो आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट फिर से करते हैं,
ई वेक्टर की वैल्यू वाई आई कैप और एक्स जे कैप, और मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें डीवी नहीं निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना, मेरे को इसमें वी निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लो, पढ़ के नहीं आना स्कूल के लिए, नहीं आएगा ठीक। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, देखो ये वो टिपिकल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं जो ना गारंटेड जब आप घर जाके क्वेश्चन करेंगे आपके डाउट आने ही आने हैं, क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि किसको कैसे टेक्निक लगा के सॉल्व करना है। हाँ करने के बाद नहीं आएंगे बात अलग है, लेकिन एक बार आपको वो टेक्निक दिखानी पड़ेगी। तो मैंने भी क्या किया, जितने क्वेश्चन ई वेक्टर से वी वेक्टर या वी वैल्यू निकालने के थे मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली, मैं वही करवा रहा हूँ आपको। चार पांच टाइप के कुल मिला के टोटल क्वेश्चन है बस। कहीं आप सोचो कि नया क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगा, आएगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आएगा ही नहीं। आप ये सारे सेट ऑफ क्वेश्चन कर लो जो मैं लेक्चर में दे रहा हूँ, और आपने जो किताब उठानी है वो उठा लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक। क्योंकि मैंने जितनी भी वैरायटी बनाई हुई है, जितने वो अजीब और गरीब क्वेश्चन बुक्स में मिलते हैं सारे मैंने डाल रखे हैं। तो इसमें सपोज करो ई वेक्टर आपको गिवन है और वी का ए बी सी डी में आंसर, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ए बी सी डी में आंसर ऐसा दिखेगा, दिखाऊंगा आपको, ऑब्जेक्टिव शीट करवाऊंगा उसमें दिखेगा आपको। मेरे को ये आंसर कम से कम 100 बार मैंने कर रखे याद है, मैं से पूछोगे क्वेश्चन तो मैं सीधा करूंगा ये आंसर है यार ठीक। हर बुक में गिवन है करने का तरीका, ई वेक्टर है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लगा दें तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डी वी आएगा। ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं है। डी वी मीन्स स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है डी आर। डी वी इज इक्वल टू ई वेक्टर जो गिवन है पुट कर दें, हमें तो पता नहीं कि आर वेक्टर, क्योंकि इसमें एक्स या वाई एक्सिस तो गिवन है नहीं, जब कुछ पता ही नहीं तो डी आर वेक्टर को एज इट इज पुट कर दें, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप पुट कर दें, आई को आई के साथ जे को जे के साथ के को के साथ, तो ये टर्म आएगी आपके पास क्योंकि आई डॉट आई वन है, जे डॉट जे वन है, आई डॉट के जीरो है, जे डॉट के जीरो हट ही गया, तो ये टर्म आ गई। अगर आपको याद हो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला था, वो क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई क्या था, कि वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, यू इंटू वी का फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, ये यू इंटू वी का ही तो फॉर्मूला है, y into differentiation of x plus x into differentiation of y is equal to differentiation of x into y। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो differentiation से ये स्टेप छोटा कर दिया। differentiation integration एक दूसरे के उल्टे हैं, ये भी पता है आपको, जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में d फॉर differentiation और दिस इज फॉर इंटीग्रेशन, तो जो आंसर differentiation का है इंटीग्रेशन का उल्टा आंसर आता है, ये कट जाए तो आंसर क्या देगा v, ऐसे बोलते नहीं है मैं, ऐसे मुझे मालूम है फॉर्मूला बोलते हैं, वन डी वी की इंटीग्रेशन क्या है v, मैं दोनों साइड को क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेट, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इफेक्ट आपस में कैंसिल करके आंसर क्या देगा वी। सिमिलरली यहां पर भी डी और इंटीग्रेशन करके सिर्फ क्या बचेगा यहां पर एक्स वाई, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट्स नहीं लगाते हमें क्या लगाना पड़ता है कॉन्स्टेंट, ये ऑप्शन मार्क कर लेना, ऐसा ऑप्शन किताब में दिखेगा। ये क्वेश्चन करने के बाद बच्चा कहता है यार मुझे ये नहीं समझ में आ रही, अगर तीसरा क्वेश्चन सर ने पूछ लिया मेरे को नहीं पता उसका करना क्या है, क्योंकि यार हर में अपनी नई टेक्निक है, कोई कहता है लिमिट तीन तीन लगा दो, दूसरा क्वेश्चन कहता है जी डायग्राम बना के कर लो, तीसरा कहता है कॉन्स्टेंट के साथ कर लो, मतलब इतनी की कैपेसिटी होती है एक स्टूडेंट की, उसके बाद तो वो हिम्मत हार जाता है कि यार अब चौथा पांचवा मत दे देना ठीक। मेरी भी ऐसी थी, जब मैंने शीट लिखी मैं भी सोचता था यार कमाल है यार, इसको करता हूँ तो ये टेक्निक है, इसको करता हूँ वो टेक्निक है, ये चौथी की टेक्निक मुझे पता ही नहीं। तो जैसे फिर से क्वेश्चन कर लिया मैंने, फिर देख लेते हैं, फिर मेरे को पता लगा इसके ऊपर है ही कुछ नहीं, वो तीन क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे, बाकी में कुछ करना ही नहीं, बाकी ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स से ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन, क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है, एक्स वाई प्लेन में भी, यानी एक्स में भी और वाई में भी, और कितना करता है, इसमें आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स आपको प्लॉट करने पड़ेंगे, जैसे आपको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने पड़ेंगे कैसे, इधर ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, जैसे ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, तो ये ओरिजिन है, ए का कोऑर्डिनेट 2, ये आपने बनाना है 2,2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -2,2, चलो ठीक है बनाना है, बी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस -2 एंड 2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, तो सी का बनाना है 2,4,
यहां तक क्लियर है? आपको इन तीनों पॉइंट्स पे ए बी एंड सी पे पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है कितनी, 4, 16 और 12। तो देखो ए पे पोटेंशियल 4 वोल्ट है, बी पे पोटेंशियल कितना है, 16 वोल्ट है, और सी पे पोटेंशियल 12 वोल्ट है। तीनों पॉइंट्स के पोटेंशियल में लिख दिए, कोई डाउट इसमें? तो डायग्राम तो आपको देख के, आप ये वैल्यू देख के डायग्राम बना लेंगे, कोई डाउट इसमें? आपको निकालना है इसमें ई की वैल्यू क्या होगी इन वेक्टर फॉर्म। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा मेरा ई एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, या दोनों में है। मैं कैसे डिसाइड करूंगा? पोटेंशियल की वैल्यूज को देख के। जैसे पहले एक्स देख लेते हैं, एक्स एक्सिस में मेरा पोटेंशियल 16 वोल्ट से कितना हो रहा है, 4 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस में मेरा पोटेंशियल गिर रहा है, और अगर मेरा पोटेंशियल गिर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिरे हुए पोटेंशियल की तरफ ही होगी। तो मेरा पोटेंशियल कहाँ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बी से ए। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स के अलॉन्ग होगी, राइट होगी। क्या पॉइंट क्लियर है? ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो कहाँ होगा, जहां पोटेंशियल गिर रहा है। तो देख रहे हो 16 से 4 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स ही रहा, कोई डाउट इसमें? अच्छा वाई एक्सिस देखें, वाई एक्सिस में ये 4 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। 12 से 4 नीचे आते आते पोटेंशियल गिर रहा है, 12, 10, 8, 4। तो वाई एक्सिस में ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, जहां पोटेंशियल गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ई की डायरेक्शन क्लियर है, ई की डायरेक्शन क्लियर है? तो आपने एक्स में भी देखनी है, आपने वाई में भी देखनी है। एक्स में पोटेंशियल यहां गिर रहा है तो ई एक्स यहां पर है, वाई में पोटेंशियल यहां गिर रहा है तो ई वाई यहां पे है। तो मैं आपको ई एक्स और ई वाई निकाल के देता हूं, और फाइनल आंसर क्या होगा ई वेक्टर का, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो ई एक्स निकालें, ई एक्स के लिए सबसे पहले इस डायग्राम में आप एक्स एक्सिस को देखें। चलो मान लो आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो एक्स एक्सिस में ये आपका कौन सा पॉइंट है, सॉरी इनिशियल, ये आपका कौन सा पॉइंट है इनिशियल, और ये आपका कौन सा पॉइंट है फाइनल, इनिशियल से फाइनल। ठीक है यहां तक? तो जब आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं तो डीवी की जगह क्या पुट करेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि 4 में से 16। और एक्स कोऑर्डिनेट में ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो क्या होगा, 2 माइनस माइनस 2, ये रहा 2 माइनस माइनस 2, ये रहा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डीवी की जगह क्या पुट करेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और डीएक्स की जगह क्या पुट करेंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट 2 माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट माइनस 2। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? सॉल्व करके ई एक्स आ गया, ठीक है, ई एक्स क्लियर है। चलो ई वाई निकालते हैं, ई वाई के लिए जहां मर्जी चले हैं। देखो मैं नॉर्मली पसंद करता हूं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी जाना पसंद करता हूं, तो जैसे सी से ए चलता हूं, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है इनिशियल, ये मेरा कौन सा पॉइंट है फाइनल। चलो वाई एक्सिस में फिर लगाते हैं, तो वाई एक्सिस में फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस डीवी बाई डी वाई, सही है? तो क्योंकि मैं 12 से 4 पे आ रहा हूं तो फाइनल पोटेंशियल 4 है, इनिशियल 12 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 12, तो 4 माइनस 12 क्लियर है। और वाई कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है, 2, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, सब कुछ वाई कोऑर्डिनेट में हो रहा है, तो 2 माइनस 4 फाइनल माइनस इनिशियल। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो डीवी में फाइनल माइनस इनिशियल, डीवाई में फाइनल माइनस इनिशियल, इन्हें सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, ई वाई की। तो एक तरफ से आ गया ई एक्स, एक तरफ से आ गया ई वाई, नेट ई वेक्टर क्या आ गया, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। ये आंसर मार्क कर लेना, और अगर मैग्नीट्यूड आ जाए ई का तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, आंसर क्या मार्क करेंगे, 5। कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचने आपने इसमें? ठीक, ई एक्स कितना है, 3 आई कैप है, और ई जे कैप माइनस ही तो है, 4 माइन, नहीं माइनस क्यों, नहीं वो तो ऑलरेडी माइनस आ रहा है ना साइन, जो ये शो कर रहा है कि नीचे की तरफ ही है, ऐसा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो हाँ ठीक कह रहा है यार, ई वाई का मैग्नीट्यूड आया -4, तो ई वाई का ठीक कह रहा है, ये ई वाई का मैग्नीट्यूड -4 है ना, इसमें डायरेक्शन का चक्कर नहीं ना, तो ई वाई का मैग्नीट्यूड 4 है, और ई है कहां पर, ई वाई है कहां पर,
नीचे है, माइनस जे कैप है, तो माइनस जे कैप आना चाहिए पीछे, जे कैप की जगह माइनस जे कैप आना चाहिए, माइनस फोर मैग्नीट्यूड के साथ माइनस जे कैप आना चाहिए, हाँ प्लस बनेगा यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड लेकिन सिर्फ फोर ही आएगा, पॉइंट तो सही है ठीक है ना, क्योंकि वाई एक्सिस नेगेटिव जे जे कैप है और वो मैग्नीट्यूड निकला है, उसमें डायरेक्शन की बात कहाँ कर रहे हैं, वो तो वैल्यू है सिर्फ, तो देखो ना, तो थ्री के पीछे आई कैप लगेगा कि माइनस आई कैप लगेगा, तो डायरेक्शन बताएगा ना वहां से, सही कह रहा है, तो माइनस जे कैप के साथ ही चलेगा, सही है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक ठीक है। तो इसमें